दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में 5 नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि इन लोगों ने राजधानी वासियों के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, दिल्ली वालों के काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हर दिल्ली वासी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि कोई काम रुकने नहीं दूंगा। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल में दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया। मोहल्ला क्लिनिक से गरीब लोगों का बहुत भला हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में 5 नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि इन लोगों ने राजधानी वासियों के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, दिल्ली वालों के काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हर दिल्ली वासी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि कोई काम रुकने नहीं दूंगा। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल में दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया। मोहल्ला क्लिनिक से गरीब लोगों का बहुत भला हो रहा है।